अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इंजमाम चौधरी, मौजूद हूं इस वक्त आवाज़ इजाज ग्राउंड में, जहां पर 14 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मेरे बच्चों के ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं जी आप, करवा रहे हैं बच्चों को यहाँ पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन एक मंथ हो गया हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, बच्चों की अकेडमी ओपन की है, प्रो फुटबॉल अकेडमी, ताकि हमारे बच्चे ग्राउंड में आएँ और फुटबॉल सीख सकें, अपनी फिजिक ठीक कर सकें और अपने आप को मनवा सकें। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, छोटे बच्चे खास तौर पर, तो वो आजकल तकरीबन फ़ोन पे लगे हुए हैं। जितनी जनरेशन है, पहली जनरेशन जो हमसे पहले थे वो ग्राउंड में आते रहे, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है, तब तकरीबन जितने बच्चे हैं सारे फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को ग्राउंड में लाया जाए, ताकि वो अपने आप को मनवा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हमने देखा है कि जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन बच्चों में से बेशमार कोई अरशद नदीम को फॉलो करता है, कोई मैसी को, यानी बड़े बड़े नामी जो प्लेयर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये कोचिंग आपने की है? बेशमार लोगों के बच्चे जो हैं वो आजकल देखा जाए तो वो तरह तरह के वो बीमारियों में मुबतला हैं, या कोई डिप्रेशन में मुबतला हो जाते हैं, कम उम्र में वो गंदे को मंशियात में लग जाते हैं, तो क्या कहेंगे उन वालदेन को, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? वालदेन के लिए हमारे लिए ये क्या नाम है, ऐसा बोल सकते हैं कि हम उनको बताना चाहते हैं कि आप आएँ ग्राउंड में देखें बच्चे के, काफ़ी वालदेन के बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चे खुद दे के जाते हैं और खुद ले के जाते हैं। तो अभी ये देख लें, ये हमारे कुछ जो रेड किट्स में ना, ये तकरीबन जितने बच्चे थे इनकी डाइट्स का बड़ा मसला था, इनका वेट देख लें। तो सबसे पहले हम इनका वर्क कर रहे हैं, इनकी डाइट पर वर्क कर रहे हैं, उन पर वेट पर इनका वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह ये छोटे बच्चे हैं, ये अभी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 4 साल के बच्चे भी हमारे पास हैं। तो वालदेन के लिए ये हमारी लिए वालदेन को हम यही बोलना चाहते हैं कि आप बच्चों को जितना हो सके स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, ताकि बच्चे अपने फिजिकल ठीक हो सकें, गलत कामों की तरफ से दूर रहें। क्या नाम है आपका? उस्मान मलिक। उस्मान, 14 अगस्त को आपने क्या परफॉर्म करना है? फुटबॉल परफॉर्म करना है। फुटबॉल क्यों? फुटबॉल खेलने का आपको शौक है? जी, मैं बहुत से प्लेयर को फुटबॉल के शौक रखता हूँ, उनको देखता हूँ। किसी फुटबॉलर का नाम पता है आपको? रोनाल्डो भी है, मैसी भी है, या बहुत से। अच्छा, तो यानी कि आप उनसे मुतासर होकर फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? सैफ। आपका घर किधर है? मेरा साथ का बहुत मोहल्ले। आपकी हंसी से लगता है कि आप बहुत बड़े फुटबॉलर बनेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है जी। तो ये बताएं कि आपने भी फुटबॉल ही, ये जो जितने सारे खड़े हैं आप सारे ने फुटबॉल परफॉर्म करना है जी? ठीक है। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ उरूज पर हैं, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसी तैयारियाँ हैं, क्या प्लान हैं, क्या इरादे रखते हैं सामने। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी, मैं कोटली सरसावा से हूँ, मेरा नाम साजिद सुखन है। साजिद साहब, क्या तैयारियाँ हैं जो 14 अगस्त के हवाले से हवाई जहाज ग्राउंड में क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह 14 अगस्त धूमधाम से आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में बनाया जाता है। इस तरह हम पाक आर्मी के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी हर साल की तरह जश्न से बनाएंगे, तैयारियाँ भरपूर हैं। यहाँ पर एक जो इवेंट हो रहा है जश्न आज़ादी के सिलसिले में, इसका जो फाइनल 13 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को यहाँ पर गेम्स होंगे, बड़ी तादाद में हर साल की तरह लोग आते हैं, अपने जो आज़ादी या हम 77वां आज़ादी का जो डे बना रहे हैं वो इंशाल्लाह अब की बार भी उसी जोश जब्बे से बनाएंगे। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम ज़िशान अली ज़फ़र है। ज़िशान अली ज़फ़र साहब, आप किधर रहते हैं? मैं अलकार राजमार्ग यूनियन काउंसिल गोई बटाली रहता हूँ। अच्छा, गोई बटाली रहते हैं, तो हवाई जहाज ग्राउंड में आज आप क्यों आए? हवाई जहाज ग्राउंड में, जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त का दिन बहुत करीब है, और उस दिन के हवाले से यहाँ पर बहुत सी तैयारियाँ हो रही हैं, जैसे कि बच्चे हमारे जो हैं छोटे, वो मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में हिस्सा ले रहे हैं और उनके हवाले से तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, 14 अगस्त का जो जश्न मनाया जा रहा है, इस तरह के मेले होने चाहिए या सिर्फ 14 अगस्त को ही होने चाहिए? इस तरह के मेले होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियों में हमारी जो जितनी भी यंग जनरेशन है और साथ में हम भी हिस्सा लेंगे तो हमारे टैलेंट में इजाफा होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अब मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो अपनी छोटी प्यारी सी बच्ची के साथ हवाई जहाज ग्राउंड में आए हुए हैं, इनसे जानेंगे। भाई जान, ये बताएँ कि आपको ये हवाई जहाज ग्राउंड कैसा लगा? जी, ये मेरे लिहाज से जो है ना, फैमिली के लिए बड़ा ज़रूरी था। बच्चे जो हैं वो अक्सर ऐसी जगह को ढूंढते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां वो एंजॉय कर सकें, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 14 अगस्त के वाले से यहां पर तरबीती वर्कशॉप्स और तैयारियां जो है वो जारी हैं, क्या कहेंगे 14 अगस्त के वाले से? ठीक है जी, मनानी चाहिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हमसे जुदा नहीं है, हम उससे जुदा नहीं हैं। तो मेरे लिहाज से जब भी 14 अगस्त आए तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसी तरह जब कश्मीर डे कोई आए तो पाकिस्तान वालों को भी हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम, क्या नाम है आपका? अहमद फसी जंगियाल। फसी, क्यों आए हैं हवाई जहाज ग्राउंड में आप?
मैं जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम में उसमें शिरकत के लिए आया था। तो क्या कहेंगे 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं यहां पर वाइजस ग्राउंड से कैसी जा रही है? सबसे पहले तो मैं सईद बट साहब को और इंजमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। 14 अगस्त बेसिकली 14 अगस्त को 77वां यौम पैदाइश है पाकिस्तान का और हमें ये चाहिए कि हम ये दिन जो है ये जोश व खरोश से मनाएँ। ठीक है, इस दिन में हमें ये चाहिए कि कायदे आज़म अल्लामा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो जो असूल थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, उनको हम दिलो जान से मेहनत करके हम वो काम करें पाकिस्तान के लिए जो कायदे आज़म हमें बता के गए थे। दूसरी बात है जो यहाँ पे हवाई जहाज़ ग्राउंड में जो पाक फ़ौज के वाले से ये ज़ेर इंतमाम किया गया है, तो इसमें पाक फ़ौज का सबसे बड़ा किरदार ये है कि हम कश्मीरी भाई जो हैं, ठीक है, जहाँ तक बात है कश्मीरी भाइयों की, हमने हमेशा पाकिस्तान का भी साथ दिया है, पाकिस्तान हमारा साथ देता रहे, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े, जहाँ पे पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पाक आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद लास्ट पे मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।